अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय होम किचन। आज हम बनाने लगे हैं फ्राई मिर्च मसाला। फ्राई मिर्च मसाला बनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्राई मिर्च मसाला में जो हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून। पिसा हुआ सूखा धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है, 1 1/2 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारे पास पिसा हुआ जीरा है, 1 टेबल स्पून हमारे पास लाल मिर्च है पीसी हुई, 1/2 टीस्पून हमारे पास खटाई है, 1 प्याली हमारे पास बेसन है, 2 लेमन है इसका हम जूस निकाल लेंगे, और 9 से 10 हमारे पास हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसमें हम जीरा डालते हैं, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला और खटाई। इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हम 2 लेमन जूस डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बन गया है। इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे। तो 1-2 मिनट तक हम पका लेते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है और मिर्चों में हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इन मिर्चों में ये मसाला भरते हैं। इस तरह से हम इस मिर्च में मसाला भरेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें मसाला भर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी सारी मिर्चों में भर लेते हैं। सारी मिर्चों में हमने मसाला भर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 1 प्याली बेसन था, उसमें हम ये हसबे ज़रूरत नमक डालते हैं और पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। बेसन हमारा ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही पतला हो। अब हम इसमें मिर्चें डालते जाएंगे एक एक करके, और इस पे अच्छी तरह बेसन लगाएंगे। बेसन हमारा लग गया है। जिस पैन में हमने मसाला बनाया था उस पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, उसमें हम ये मिर्ची डाल देंगे। सारी मिर्ची हमने पैन में डाल दी हैं। अब हम इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। देख सकते हैं मिर्ची हमारी फ्राई हो चुकी हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। शुक्रिया।